गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया था गुरुत्वाकर्षण, और कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, वो मैं आपको कराऊंगी बाद में। पहले थोड़े से फॉर्मूला बता देती हूँ आपको कि हमारे क्या क्या फॉर्मूले काम आए थे। एक तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जी था गुरुत्वीय नियतांक, एम था एक पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल एम था दूसरे पिंड का, और आर थी उनके बीच की दूरी, आर या हम लिख सकते हैं डी। एक फॉर्मूला था हमारा, ये काम आया था, इस पे हम न्यूमेरिकल्स किए थे। दूसरा फॉर्मूला हमारा काम आया था, क्या काम आया था, बराबर एफ बराबर एम जी। ये हमारा काम में आया था जब हमने गुरुत्वीय त्वरण यूज किया था। तीसरा फॉर्मूला, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था, तीसरा फॉर्मूला हमारा काम आया था बच्चों, हमने वेट निकाला था चंद्रमा पर, तो वी एम चंद्रमा पर वेट क्या था हमारा, जो पृथ्वी का वेट था उसका 1/6 हिस्सा था, तो डब्ल्यू ई था हमारा किसका, पृथ्वी का, और डब्ल्यू एम था हमारा चंद्रमा का। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला काम आया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था गति के समीकरण भी इसमें लगते हैं, और गति के तीन समीकरण थे, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने कहा बच्चों कि ये तीन समीकरण हैं, समीकरण एक, समीकरण दो और समीकरण तीन, गति के समीकरण है, न्यूटन की गति के समीकरण, जो कि आपको पढ़ा चुकी हूं मैं, ये न्यूटन की गति के तीन समीकरण थे। जब वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में होती है तो यहां पर ए की जगह जी का उपयोग करते हैं। गुरुत्वीय प्रभाव में क्या करेंगे बच्चों, ए की जगह जी का, गुरुत्वीय त्वरण का यूज करेंगे, तो यहां पर ए की जगह क्या आएगा बच्चों, जी, गुरुत्वीय त्वरण। और देखिए बच्चों, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, नीचे की ओर गति करती है तो क्या होगा, जब हम ऊपर से नीचे फेंके तो गुरुत्वीय त्वरण प्लस होगा, और जब दिशा विपरीत होती है, आकर्षण के विपरीत होती है, तो आता है माइनस जी। तो इस तरीके से हम यहां पर इस समीकरण में गुरुत्वीय त्वरण का इस्तेमाल करके, यूज करके समीकरण निकाल सकते हैं, हमारी विभिन्न जो मान है वो निकाल सकते हैं, जैसे v निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं, s निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि गुरुत्वीय प्रभाव में गुरुत्वीय त्वरण का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए, गति के समीकरणों का भी यूज करते हुए हम विभिन्न वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने आपको गुरुत्वाकर्षण में ये विभिन्न सूत्र बताए थे और इस पे न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। अभी क्या है बच्चों कि कुछ लोगों ने पहले यूट्यूब देखी होगी, कुछ बच्चों ने नहीं देखी होगी, और अब आप स्कूल में आने लग गए हैं, तो अब आप डायरेक्ट स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, आपके स्कूल के अंदर देख रहे हैं, तो आप लोगों को, कुछ बच्चों को तो सिलेबस पता होगा कि सिलेबस में ये आएगा, और कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या आएगा या क्या नहीं आएगा। तो अभी मैंने गुरुत्वाकर्षण में कई टॉपिक्स छोड़ दिए थे, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रणोद, दाब, तो ये सारे छोड़ दिए क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। जो हमारे सिलेबस में था वो मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण का कराया। अब देखिए बच्चों की, अब आप आ गए हैं स्कूल के अंदर, आपके पास बुक भी है, किताब भी है, कॉपी भी है, तो आप अपनी बुक खोल लीजिए। मैं वापस से आपको एक बार वंस अगेन आज दोबारा बता रही हूं, जिससे आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाए कि कौन सा पार्ट हटा है और कौन सा पार्ट आ रहा है। तो मैं एक बार दोबारा से आपके सामने सिलेबस डिस्कस कर रही हूं, तो देखते हैं बच्चों, हम सिलेबस देखते हैं आपके लिए, तो आप अपनी बुक खोल के रखिए। आपका सिलेबस कम करके कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, कुछ लेसन्स हटा दिए हैं, और ये लेसन्स हटा दिए हैं तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से लेसन हटाए हैं। तो आप पहले उन पर क्रॉस कर लेंगे कि ये टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने। तो आप देखेंगे बच्चों, देखिएगा, ये हटाए गए बता रहे हैं हम आपको, हटाए गए भाग। तो लेसन नंबर एक, लेसन नंबर एक है हमारे आसपास के पदार्थ, ये लेसन पूरा का पूरा ही हटा दिया गया है बच्चों। इसमें अगर आप टॉपिक थे जो हमारे थे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, आपकी बुक में खोलकर देखें आप लेसन नंबर एक,
और इसके जो टॉपिक्स हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, ये जो आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं, चाहे फिर इसके बाद 1.1.1 हो, चाहे 1.1.2 हो, ये सारे टॉपिक्स ही आपके हटा दिए गए हैं, तो आप इनको क्रॉस कर लीजिए, ये आपके हटाया गया पार्ट है सिलेबस से। तो आपका पहला लेसन सिलेबस में नहीं है बच्चों, बिल्कुल क्रॉस कर लीजिए इसे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो टॉपिक हटाए गए हैं, देखिए हम आपको ऊपर एक हेडिंग दिखा रहे हैं, एक बार ऊपर ही ऊपर देखिए, यहां पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021, जो 2021 में आपकी परीक्षा होगी, के लिए हटाया गया भाग है, ये हटाया गया है आपके सिलेबस से कक्षा 9th के लिए, विज्ञान का सिलेबस मैं आपको बता रही हूं बच्चों। तो आपका लेसन नंबर 1 पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इसके 1.1 से 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, ये पूरा का पूरा हटा दिया है। आपकी सहूलियत के लिए ही ये वापस से मैं आज सिलेबस डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो सिलेबस पता है और कुछ को पता ही नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं आपके लेसन नंबर 1 के। अब आप देख सकते हैं लेसन नंबर 6, नंबर 6 का नाम क्या है बच्चों, ऊतक है, ऊतक, लेसन नंबर 6। और इसमें क्या है बच्चों, ऊतक चैप्टर है आपका। आप अपनी किताब खोल के रखिए बच्चों और पेन भी आपके पास होना चाहिए। पहला हमारा पहला लेसन हटाया गया था, अब हमारा छठा लेसन हटा दिया है ये। छठा लेसन का नाम है ऊतक टिश्यू, और टिश्यू में देखिए बच्चों 6.1, 6.2 और 6.3 पूरा का पूरा लेसन हटा दिया है ये। तो ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, 6.1, 6.2 और 6.3। हम इन टॉपिक्स का देख सकते हैं क्या क्या है टॉपिक्स, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं, ये टॉपिक हटा दिया है। पादप ऊतक ये हटा दिया है बच्चों आपके सिलेबस से, और जंतु ऊतक ये भी हटा दिया गया है। आप अपनी किताब में, आप अपनी बुक पर टिक कर लीजिए, क्रॉस कर दीजिए इसको बिल्कुल, कि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है इस साल के एग्जाम के लिए, इस वर्ष जो एग्जाम होगा उसके लिए ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। अब आप देख सकते हैं बच्चों लेसन नंबर 7, जीवों में विविधता, जीवों में विविधता, और इसमें आप क्रॉस कर लेंगे, ये टॉपिक्स आपके नहीं है सिलेबस के अंदर, जो आपके एग्जाम में सिलेबस आ रहा है उसके लिए ये टॉपिक्स कैंसिल करने हैं। तो 7.1 वर्गीकरण का आधार क्या है, ये हटा दिया है बच्चों। 7.2 वर्गीकरण और जैव विकास, ये हटा दिया है आपके। 7.3 वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, 7.4 प्लांटी और 7.5 एनिमेलिया, ये आपके सिलेबस से हटा दिए हैं बच्चों। स्क्रीन पर रोक के रखा है आपके लिए, आप इन्हें टिक कर लीजिए अपनी बुक पे। लेसन नंबर 6 खोलिए, 6 पर मैंने आपको बता दिया, 6.1, 6.2, 6.3 और इससे रिलेटेड हैं वो भी हटा दिए हैं, तो ये बिल्कुल क्रॉस कर लीजिए, ये सिलेबस में नहीं है आपके। और लेसन नंबर 7 में भी आप टिक कर लीजिए, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और 7.5। लेसन नंबर 7 तक हमने बता दिया था, अब यहां पर जो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर लिख रखा है 6 गति, ये गति वाला चैप्टर छठा नंबर का नहीं है, 8वें नंबर का है, 8 नंबर डाल लीजिए आप इसे। तो 8 वाला लेसन निकाल लीजिए गति वाला, और गति वाले चैप्टर में जो मोशन है लेसन गति, इसमें ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए हैं बच्चों।
देखिए जो नहीं दिख रहे ना आपको वो तो आ रहे हैं सिलेबस में, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे, उन पर आप टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। यहां पर गति वाले लेसन में ये टॉपिक्स पर आप क्रॉस कर लीजिए कि ये नहीं आ रहे हैं बच्चों। 8.4 पर क्रॉस कीजिए बच्चों, 8.4, 8.1, 8.2, 8.3 छोड़ दीजिए, इन पर कुछ भी नहीं लगाना है अभी फिलहाल। तो आप सीधे डायरेक्ट पहुंचिए 8.4 पर और उस पर कीजिए क्रॉस, क्रॉस कर दीजिए कि ये नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में। टॉपिक का नाम क्या है? गति का ग्राफीय प्रदर्शन। 8.5 ये भी आपके नहीं आ रहा है सिलेबस में, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। 8.6 एक समान वृत्तीय गति, ये भी आपके नहीं आ रहा है। और इससे रिलेटेड मतलब 8.4 के बाद जो भी मतलब 8.4.1 भी लिखा हो या 4.2 लिखा हो, ये भी आपके नहीं आएंगे। तो 8.4 में जो भी टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो नहीं आ रहे हैं आपके सिलेबस में। तो 8.4, 8.5, 8.6 पॉइंट्स देखिए बच्चों और टॉपिक भी देखिए। टॉपिक है आपका गति का ग्राफीय प्रदर्शन और 8.5 में आप देखेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। 8.6 में एक समान वृत्तीय गति, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है 2021 के एग्जाम के लिए, नाइन्थ क्लास के लिए। लेसन नंबर 6 है गति मोशन, 6 नहीं सॉरी बच्चों, मैंने भी इसमें देख के 6 बता दिया है, 8 है लेसन नंबर 8 गति, और तभी तो हमने इसको 8.4, 8.5, 8.6 लिखा है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट लेसन है आपका लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 का नाम क्या है? लेसन का नाम भी देखते चलिए साथ में। लेसन नंबर 9 है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इसमें से देखिए बच्चों आपका 9.1 नहीं आ रहा तो उस पर क्रॉस नहीं करना, आपको जो यहां पर लिखा हुआ है उसी पर ही क्रॉस करना है। तो आपको 9.2 क्रॉस कर दीजिए, 9.3 क्रॉस कर दीजिए, 9.4 भी क्रॉस कर दीजिए, 9.5 क्रॉस कर दीजिए और 9.6 क्रॉस कर दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और टॉपिक्स क्या क्या है? 9.2 पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? गति का प्रथम नियम, जड़त्व तथा द्रव्यमान, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम, ये आपके हटा दिए गए हैं। बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आगे सिलेबस कंटिन्यू रखते हैं। स्वागत है बच्चों, वापस से हम सिलेबस पे डिस्कशन पे आते हैं। देखिएगा गति वाले लेसन में मैं आपको एक बार वापस से दिखा रही हूं बच्चों, देखिए लेसन नंबर 8 गति मोशन। मोशन में 8.4, 8.5, 8.6
ये हटा दिए हैं। देखिए अब खोल रखिए आपने सबने बच्चों, देखो 8.4 है गति का ग्राफ, ये प्रदर्शन ये हटा दिया है। इसके बाद 8.4.1 है दूरी समय ग्राफ, ये भी हटा दिया है आपके सिलेबस से, दूरी समय ग्राफ हमको नहीं बनाना है। इसके बाद 8.4.2 वेग समय ग्राफ, ये भी हमारे सिलेबस से हटा दिया है। आप अपनी बुक में देखते चलिए, सिलेबस तो सामने है लेकिन मैं बुक में से भी आपको बता रही हूं। तो 8.4.2 यानी वेग समय ग्राफ ये आपके सिलेबस से हटा दिया है। इसके बाद 8.5 है आपके, वो हटा दिया है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, नहीं करना हमें। 8.5.1 वेग समय संबंध के लिए समीकरण नहीं करना। 8.5.2 समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण हमें नहीं करना। 8.5.3 वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये भी हमें नहीं करना, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें नहीं करने। 8.6 है एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति ये टॉपिक हटा दिया है आपके सिलेबस से। तो ये आठवें लेसन में से ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लेसन नंबर 9, बल तथा गति के नियम। अभी आपको क्रॉस करने हैं ये जो जो नहीं आ रहे हैं, मैं बुक में से भी आपको बता रही हूं, आप अपनी बुक में से भी पढ़ते हुए चलिए। देखिए बल तथा गति के नियम लेसन का नाम है, और इसमें हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक नंबर 9.2, पेज नंबर 128 पर, आप देख सकते हैं पेज नंबर 128, और इस पर है 9.2 गति का प्रथम नियम, ये आपके सिलेबस से हटा दिया है बच्चों। इसके बाद पूरा का पूरा ये हटा दिया है, आपको कुछ नहीं देखना इसमें से। इसके बाद 9.3 है बच्चों जड़त्व तथा द्रव्यमान, ये भी आपके हटा दिया है, क्रॉस कर लीजिए इसको। 9.4 गति का द्वितीय नियम, ये भी आपके हटा दिया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हटा दिए हैं। 9.4.1 गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, ये आपके हटा दिया गया है बच्चों। मैंने आपको करवा दिया था पहले, लेकिन ये सारे हटा दिए हैं तो आप इनको नहीं पढ़ना है, आपको क्रॉस कर लीजिए। गति का तृतीय नियम 9.5 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सारे हटा दिए गए हैं। संवेग संरक्षण 9.6 ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हटा दिए हैं, और बाकी का जो बचा है वही है सिलेबस के अंदर बच्चों। तो नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण अभी हमने पढ़ ही लिया था बच्चों, तो जो जो मैंने पढ़ाया है वो तो आ रहा है। इसके अलावा आप लेसन नंबर 10 खोल लीजिए बुक के अंदर और देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है वो तो आपने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा जो हटाए हैं वो देखिएगा, हटाने में आप देख सकते हैं पेज नंबर 153 और इसमें देखते हैं 10.5 ये टॉपिक आपके हटा दिया है, प्रणोद तथा दाब, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं था, मैंने यहीं तक ही आपको कराया है न्यूमेरिकल्स तक। तो 10.5 प्रणोद तथा दाब आपके सिलेबस से हटा दिया है बच्चों, ये आपको नहीं करना, क्रॉस कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, प्रयोग हैं, वो भी आपको नहीं करने। 10.5.1 भी नहीं करना, 10.5.2 भी नहीं करना आपको उत्प्लावकता, 10.5.3 भी नहीं करना। इसके बाद आते हैं हम 10.6, ये आपको क्रॉस करना, ये भी नहीं करना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये नहीं करना बच्चों आपको। और 10.7 आपेक्षिक घनत्व, ये बिल्कुल नहीं करना, ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों लेसन नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा। 10 के बाद आ रहे हैं हम लेसन नंबर 11 में, क्या हटाया है। टॉपिक निकालिए, टॉपिक नंबर 11.3। जो नहीं बता रही हूं वो तो आएंगे बच्चों, और जो मैं बता रही हूं वो काटने आपको नहीं आएंगे वो, तो आप 11.3 निकालेंगे बच्चों। पेज नंबर 173 पर 11.3 कार्य करने की दर, 173 नंबर पेज पे कार्य करने की दर है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये आपके सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना, क्रॉस कर लीजिए। इसके बाद लेसन नंबर 12 पर आइए,
ध्वनि, ये आपका पूरा ही टॉपिक हटा दिया है, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 और 12.5 और 12.6 टॉपिक्स देखते हैं हम। ध्वनि का उत्पादन 12.1 है और इससे रिलेटेड जो भी है वो भी नहीं आएगा। 12.2 ध्वनि का संचरण, ये भी नहीं आ रहा आपके। 12.3 ध्वनि का परावर्तन, 12.4 श्रव्यता का परिसर, 12.5 पराध्वनि के अनुप्रयोग, 12.6 मानव कर्ण की संरचना। ये पूरा लेसन क्रॉस कर दीजिए, पूरा लेसन ही नहीं आ रहा आपके, क्रॉस कर दीजिए, पूरा का पूरा कट कर दीजिए। इस वर्ष के एग्जाम में आपका ये लेसन इंक्लूड नहीं है, ये नहीं आ रहा आपके कोर्स में, क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे इससे रिलेटेड। 13, 14 नहीं दे रखा तो मतलब वो आएंगे। 15वें लेसन, जो 15वां लेसन है, ये लेसन में देखिए ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। खाद्य संसाधनों में सुधार, खाद्य संसाधनों में सुधार 15.1.1 ये हटा दिया है आपके सिलेबस में। 15.1.1 फसल की किस्मों में सुधार, 15.1.2 फसल उत्पादन प्रबंधन ये हटा दिया है, 15.1.3 फसल सुरक्षा प्रबंधन ये भी आपके हटा दिया है, क्रॉस कर लीजिए। ये टॉपिक्स हटाए हैं और इसके अलावा जो भी हैं वो आएंगे बच्चों। तो 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3 ये तीनों टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं, क्रॉस कर लीजिए। आपको ध्वनि का भी दिखाई दे रहा है, वो भी क्रॉस कर लीजिए, ध्वनि पूरा नहीं आ रहा है। और संसाधन, खाद्य संसाधनों में सुंदर 15वां लेसन है, इसमें ये टॉपिक्स हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो आपको क्रॉस करवा दिए हैं, और जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन पर आप सही का निशान लगाएंगे। ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में आ रहे हैं एग्जाम में। लेसन नंबर 2, पहला तो पूरा हटा दिया गया था। लेसन नंबर 2 में देखिए बच्चों, लेसन नंबर 2 है 7 नंबर का, अंक कितना है इसका? 7, नोट कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। लेसन नंबर 2 7 नंबर का है और इसमें ये टॉपिक्स आ रहे हैं और इनसे रिलेटेड जो अंदर के भी टॉपिक्स हैं वो भी आएंगे। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं बच्चों। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 लेसन नंबर 2 है बच्चों, पहला टॉपिक है। पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 15 लेसन नंबर 2। इसमें 2.1 मिश्रण क्या है ये आ रहा है। 2.1.1 मिश्रण के प्रकार, बुक के अंदर खोल के देखते चलिए बच्चों। 2.1.1 मिश्रण के प्रकार ये आ रहा है। 2.2 विलयन क्या है ये आपके आ रहा है सिलेबस में। 2.2.1 विलयन की सांद्रता ये भी आएगा बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी है वो सारा आ रहा है, उदाहरण वगैरह सब आ रहे हैं। विलयन की सांद्रता 2.2.1 ये आ रही है बच्चों। 2.2.3 ये भी आएगा बच्चों आपके। 2.3 मिश्रण के घटकों का पृथक्करण और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, जो कि आप 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ये सारे टॉपिक्स को सही कर लीजिए, ये आपके आ रहे हैं। 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं। 2.3.7 भी आ रहा है, 2.3.8 भी आ रहा है, यानी कि ये सेकंड चैप्टर तो पूरा ही आ रहा है आपके। तो 2.4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आ रहा है बच्चों आपके। 2.5 शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं ये आपके आ रहा है और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स। तो जो नेक्स्ट टर्न पे है, मैं ये सेकंड चैप्टर ही आपका स्टार्ट करूंगी रिवीजन में।
अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो आ रहा है सिलेबस में, सिलेबस में लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु। आपने देखा लेसन नंबर 2 7 नंबर का था, अब आप देख सकते हैं लेसन नंबर 3 है आपके 9 नंबर का, एग्जाम में 9 नंबर का लेसन है ये, आपके लेसन आ रहा है पूरा का पूरा लेसन आ रहा है 3.1 3.2 3.3 और 3.4। आप अपनी बुक में इसको टिक कर लीजिए, सही का निशान लगा लीजिए कि ये पूरे सारे टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। टॉपिक्स ये नेम है रासायनिक संयोजन के नियम, परमाणु क्या है, अणु क्या है, रासायनिक सूत्र लिखना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट नोट कर लीजिए बच्चों इसे। और परमाणु वाले लेसन में ही लेसन नंबर 3 में 3.5 टॉपिक भी है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, ये भी आपके आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लेसन नंबर 4 परमाणु संरचना, ये आपके सिलेबस में है और ये लेसन आ रहा है, ये पूरा लेसन आ रहा है बच्चों 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 और 4.6 तक पूरा का पूरा लेसन आ रहा है। इससे रिलेटेड जो भी अंदर न्यूमेरिकल्स हैं या एग्जाम्पल्स हैं या जो भी है वो सारा सिलेबस में हमारे में है और ये लेसन है 9 नंबर का। आपको सही का निशान लगाना है, ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। 4.1 आवेश पदार्थों में आवेशित कण, 4.2 परमाणु की संरचना, 4.3 विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, 4.4 संयोजकता, 4. परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान, 4.5 है आपका परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान, 4.6 है आपका समस्थानिक आइसोटॉप्स। 9 नंबर का लेसन है, लेसन नंबर 4 9 नंबर का है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस में आ रहा है। कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी कि मैम हमें सिलेबस वापस से बताइए, तो इसीलिए मैंने आपको ये सिलेबस वापस से डिस्कस किया है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये सिलेबस में है हमारे में और ये नहीं है। बिना ऐसे ही आप पढ़े जा रहे हैं तो उससे कोई सेंस नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई, क्या है बच्चों जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका। तो ये टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं कोशिका वाले चैप्टर में, 5.1 और 5.2 आ रहा है बस, खाली ओनली 5.1 और 5.2। 5.1 में जो भी रिलेटेड है वो आएगा और 5.2 में जो रिलेटेड है वो आएगा। तो 5.1 सजीव किससे बने होते हैं, 5.2 कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, ये आपके लेसन आ रहा है बच्चों। लेसन नंबर 5 आ रहा है, 10 नंबर का आपके सिलेबस के अंदर है ये लेसन होगा, 10 नंबर का, अभी तक का सबसे ज्यादा नंबर का लेसन है ये 10 नंबर का। नेक्स्ट गति वाला चैप्टर, गति वाले चैप्टर में आपके काफी सारा तो सिलेबस से हटा दिया था, अब आप देख सकते हैं ये आपके गति वाले चैप्टर में सिर्फ ये टॉपिक्स आ रहे हैं, गति का वर्णन, गति की दर का मापन और वेग में परिवर्तन की दर। इसमें पॉइंट्स में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप तो टॉपिक के हिसाब से देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, गति का वर्णन, गति की दर का मापन और वेग में परिवर्तन की दर। आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं बच्चों लेसन नंबर 8, और लेसन नंबर 8 में देखिएगा क्या क्या आ रहा है। पेज नंबर 109 पे देखिएगा 8.1 गति का वर्णन, और इससे रिलेटेड है आपके 8.1.1 सरल रेखीय गति, ये आपके है सिलेबस में। 8.1.2 एक समान गति और असमान गति, 8.2 देखेंगे गति की दर का मापन, ये आ रहा है बच्चों आपके गति की दर का मापन। इसके बाद 8.2.1 दिशा के साथ चाल, इसके बाद हम देखते हैं 8.3। तो ये जो लास्ट टॉपिक आपके लिखा हुआ है ना 8.1 लास्ट वाला,
ये 8.1 नहीं है, 8.3 है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर 8.3, ये आपके सिलेबस में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपने टिक कर लिया होगा 8.1, 8.2 और 8.3 पूरा आ रहा है। लेसन नंबर 9, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम में देखिए संतुलित और असंतुलित बल। 9.1, पहले तो हम बता देते हैं आपको गति वाला चैप्टर है 6 नंबर का और बल तथा गति के नियम भी है 6 नंबर का, और इसका पहला टॉपिक है 9.1 संतुलित और असंतुलित बल। ये आपके सिलेबस में है, सही का निशान लगा लीजिए, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में देखिए बच्चों लेसन नंबर 10, और ये मैंने आपको कराए वही टॉपिक्स आ रहे हैं। 10.1 गुरुत्वाकर्षण, 10.2 मुक्त पतन, 10.3 द्रव्यमान और 10.4 भार। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, सही का निशान लगा लीजिए, यही टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, और इसका अंक है 6 नंबर के है, ये लेसन 6 नंबर का आपके सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लेसन नंबर 11, कार्य तथा ऊर्जा, और इसके दो ही टॉपिक हैं और लेसन भी ज्यादा नंबर का है। देखिए 12 नंबर का है ये लेसन, 11.1 और 11.2 ही आ रहा है। कार्य, कार्य से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, ऊर्जा और ऊर्जा से रिलेटेड टॉपिक्स, तो 11.1 और 11.2 आ रहा है। 12 नंबर का लेसन है अब तक का सबसे ज्यादा नंबर का लेसन। इसके बाद हम देखते हैं लेसन नंबर 13, हम बीमार क्यों होते हैं। ये लेसन है आपके 10 नंबर का और इसमें आएगा 13.1, 13.2, 13.3, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, रोग तथा इसके कारण और संक्रामक रोग। ये लेसन पूरा ही आ रहा है, हम बीमार क्यों होते हैं, 10 नंबर का लेसन है बच्चों, और बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं लेसन नंबर 14, प्राकृतिक संपदा। और प्राकृतिक संपदा देखिए बच्चों सबसे ज्यादा नंबर का है, ये देखिए कितने नंबर का है, 17 नंबर का। तो देखिए कितना इजी है आपको इसमें नंबर प्राप्त करना, और टॉपिक्स भी बहुत इजी हैं, आप पढ़ चुके हैं 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 और 14.5, ये आपके सिलेबस में है, इनको सही का निशान लगा लीजिए। 14.1 है आपका जीवन की श्वास वायु, 14.2 है जल एक अद्भुत द्रव्य, 14.3 है मृदा में खनिज प्रचुरता, 14.4 है जैव रासायनिक चक्रण जो विभिन्न मैंने आपको बताए थे, और 14.5 है ओजोन परत। ये लेसन है आपका सबसे ज्यादा नंबर का, 17 नंबर का। इसके बाद आप लेसन नंबर 15 देखिए, खाद्य संसाधनों में सुधार, और 15 में आपके ये टॉपिक्स ही आ रहे हैं, 15.1, 15.2, फसल उत्पादन में उन्नति और पशुपालन, ये आपके लेसन है 8 नंबर का। कितने नंबर का है बच्चों ये, 8 नंबर का। तो आज आपकी डिमांड पर ये लेसन वापस से डिस्कशन किया हमने, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं और ये आपके सिलेबस में है। अब अभी तक भी आपने स्टडी अगर स्टार्ट नहीं की है तो घर पर सेल्फ स्टडी स्टार्ट कीजिए, साथ में हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो कंटिन्यू करते चलिए। मैंने लेसन नंबर 10 आपको गुरुत्वाकर्षण रिवीजन में करा दिया है कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट हम सीरियल वाइज दोबारा से रिवीजन में लेते चलिए, तो हम लेकर चलेंगे लेसन नंबर 2 नेक्स्ट टर्न पर। थैंक्स बच्चों, आज के लिए इतना ही।